दीजिए नुपुर। देखिए अभी विष्णु जी ने AIMIM के संविधान की बात करी, वो हेट स्पीच संविधान के साथ इनका एक हेट वर्क भी है। इनके कर्म और धर्म दोनों ही नफरत फैलाने वाले हैं, इसी भाषण का हिस्सा है। अमन जी भूलेगा नहीं, तस्लीमा नसरीन कहा है, नजर नहीं आई, भूल गए? AIMIM के हुड़दंगों ने कैसे बवाल काट दिया था एक महिला लेखिका के ऊपर, और ये भी भूल जाए सितंबर 14, 2021 को दिल्ली के अंदर AIMIM का लीडर रियाजुद्दीन अपनी बीवी को 3 तलाक देने के 9 साल बाद अपने दोस्त के साथ पहुंच गया हलाला करवाने। तो इनके कर्म ही हेट स्पीच और हेट वर्क वाले हैं। तो कृपया करके जो पवन जी आप बौखला रहे हैं ना गद्दारों की तरह, ये जो गद्दार हैं, आज साफ हो गया गद्दार कौन है। आज साफ हो गया अमन, गद्दार कौन है। महाराज जी ने भी पकड़ लिया, आपके दर्शकों ने पकड़ लिया और देश ने देख लिया। मैं दोबारा दोहराऊंगी, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच नहीं है तो मैं कहूंगी महंत बजरंग मुनि की भी हेट स्पीच नहीं है। कोर्ट से तो बरी हो गए इनके नेता, लेकिन इसलिए तो यार शायद पवन जी बार बार मुस्कुरा रहे थे, कोर्ट से तो बरी हो गए। अच्छा चलिए आप पवन जी आप बोल लीजिए, मेरे ख्याल से पवन जी कॉन्टिन्यू दे दीजिए, पवन जी आप बोलिए, फिर कादरी जी मैं आपको कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मंच दूंगा, कादरी साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले पवन भाई बोल लीजिए, बोलिए पवन भाई, बोलिए 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 पवन भाई। नहीं मैडम नुपुर जी को, मैडम नुपुर जी को द ऑर्गेनाइजर भी पढ़ना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इस देश में दो समाज, एससी समाज जिसको पहले, अरे आप रहन दीजिए, शूद्र का आपके वारिस पठान ने गणपति बप्पा मैया मोरिया बोल दिया तो माफी मांगनी पड़ गई थी। ये आपका सेक्युलरिज्म है, आपकी पार्टी के नाम, आपकी पार्टी है धर्म विशेष। आप यहाँ पे क्या सरमन दे रहे हैं, फतवा देने आए हैं क्या यहाँ पे आप टीवी के ऊपर फतवा पठान को तो थूक के चाटना पड़ गया था। पवन 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 क्या आप आगे भी ऐसे बयान दिए जाएंगे, क्योंकि अब मतलब क्योंकि अब ये हेट स्पीच नहीं है तो आगे भी ऐसे बयान देंगे, धमकियां दी जाएंगी हिंदुओं को? नहीं हमारी तरफ से कभी कोई धमकी नहीं दी, हमने हक और अधिकार की बात कही। नहीं 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, 25 करोड़, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। अली कादरी, अली कादरी ऑडियो बंद है बाकी सबका, अली कादरी जी और विष्णु भाई आप बोलेंगे, बोलिए पहले अली कादरी जी आप बोलिए, बोलिए आप, मैंने आपको बीच में टोक दिया था, बोलिए। देखिए सर मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं सर कि ये जो भी है कोर्ट का डिसीशन है, इस पर टिप्पणी खतई तौर पे हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग आगे ऊंचे ऊपर की कोर्ट में जाना चाहते हैं वो सक्षम में जा सकते हैं। रहा सवाल कि जो फिलवक्त जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है वो काम को सपोर्ट करें, हम खुद चाहते हैं कि हमारे देश में स्वार्थ पैदा हो और ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोले ना मुसलमान हिंदू के खिलाफ। देख रहे हैं आपने क्या, आपने मोदी जी का भाषण सुनाया, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको स्वार्थ कैसा स्वार्थ, मैडम जरा थोड़ा आपको कह रहा हूँ ना आप रहन दीजिए, बोल दीजिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण वही उसी जगह होना चाहिए था, ये घासी बना और गैर कानूनी फैसला, जैसे बात करने की क्या जरूरत थी धर्म के साथ। वो बोलिए अकबरुद्दीन का बयान फिर भड़काऊ था ना, आपका ये भाईचारे खारिज करो, जो भी हमारे देश को बांटेगा अमन जी। हाँ बोलिए बोलिए विष्णु बोलिए, नहीं फिर कादरी साहब फिर इससे भी भाईचारा डिस्टर्ब होता है ऐसे बयान से। अमन जी जी हाँ बोलिए विष्णु। अमन जी मैं कादरी साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत आज खुशी ना मनाएं, बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा हम दोबारा डिबेट करेंगे और जो इनका आज एक्विटल हुआ है ये कन्विक्शन में कन्वर्ट होगा और जब कन्वर्ट होगा तब दोबारा डिबेट करेंगे और इनकी ये आज लाइन जरा मैं बिल्कुल चैलेंज करूंगा, मैं बिल्कुल चैलेंज करने जा रहा हूं, मैंने तो आपके चैनल पे बोला है हम चैलेंज करने जा रहे हैं इसको, जो भी उच्च अदालत है उसमें हम चैलेंज करेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में, हम इसको चैलेंज करेंगे और तब दोबारा कादरी साहब के साथ डिबेट करेंगे और इनको शुक्रिया शुक्रिया आप सबका, सौ बात की एक बात।